बट एमवीपी ओवरऑल टॉप ट्रैकर्स हमारे सामने आ चुका है 43 फिनिश पॉइंट्स के साथ साथ गॉडलाइक आपको पता है ऑलरेडी गॉडलाइक जोनाथन बन चुके हैं एमवीपी ऑफ द टूर्नामेंट। ज्यादा टाइम ना गवाते हम बुलाते हैं इस पूरे इवेंट के विजेता को और गॉडलाइक एंड वी हैव द एंटायर वी हैव द एमवीपी एज वेल। हेलो एवरीवन, मस्त मस्त मस्त, हेलो वीडियो कॉल हो गया। मैं आपने आपके पास जीरो फिनिशर्स थे, कुछ प्लेयर्स आपसे आगे निकल चुके थे, बट उस टाइम आपका माइंडसेट क्या था कि अब उनसे आगे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक बार कोई स्टार्ट कर ले तो आप जीरो से जब स्टार्ट करते तो बहुत मुश्किल होता है, बट जीरो से हीरो बनने की कहानी जरा आप मुझे बताएंगे। सो ऐसा था कि स्टार्टिंग के मैचेस में नहीं खेल पाए क्योंकि मुझे कुछ काम था, इम्पोर्टेंट काम था, तो इसके लिए मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा वो दो दिन के लिए आई गेस। सो मैं जैसे वापस आया तो मेरे टीममेट्स है नियो गिल क्लचगॉड, तो लोग बोला जॉनी अभी खत्म करना है, तो वहां से ही एकदम आंग में गया मेरे, फिर उधर से खत्म करना स्टार्ट किया मैं। आपने खत्म नहीं किया, आपने डिस्ट्रॉय किया है एक मैच में 12 फिनिशेस, लाइक क्या चल रहा था आपके दिमाग में इस मैच में पर्टिकुलरली? वो तो ऐसा था कि मुझे पता था मेरे टीममेट्स कवर दे ही रहे मुझे वो मैच, सो मैं बोला कि गिल नहीं हो कवर दे, मैं खत्म कर रहा हूँ सबको, जाते गया जो दिखा तोड़ते फोड़ते गया। चिकन बिल्कुल, वो हम लोग आखिरी में देखे भी थे कि मतलब हाइट पे वो नीचे जाना तो वो पाए थे ना, मतलब कमाल करा। लेकिन एक और बात यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा घातक भाई, नहीं वरना उनसे भी ये सवाल, उनके लिए खास करके ये सवाल था कि पहले दिन आप आए 3 #2 स्ट्रीक आप लोग वहाँ पे बनाए, फिर दूसरे दिन आए 3 विनर विनर चिकन डिनर का स्ट्रीक बनाए, तो इन दोनों को जरा आप अच्छे से बता सकते कि ये 3 जब #2 आए थे तब क्या माइंड सेट था, और जब जीते 3 के 3 मैच तो क्या वहाँ पे बातचीत हो रही थी टीम के बीच में? #2 के टाइम पे मतलब हम लोग ये टूर्नामेंट ऐसे खेल रहे थे कि एंड जोन का प्रैक्टिस करना है हम लोग को, तो #2 के टाइम पे भी बहुत सारे मैचेस थ्रो हो गए, तो घातक ने बहुत हम लोग को बोला कि ये मिस्टेक्स हुए, तो हम लोग ने नेक्स्ट दिन उस पर वर्क किया, और जैसे आप लोग को पता है फिर हम लोग ने #2 का वो कर्स था, फिर हम लोग ने 3 बार #1 लाया, तो ऐसा हम लोग का एंड जोन में आके थोड़े से मिस्टेक्स होते कि थोड़े भावुक हो जाते और थ्रो हो जाता है मैचेस, तो वो नहीं किया हम लोग ने नेक्स्ट डे पे। लोगों की टीम में क्या होता है कि एक बार हम पे जोन बन गया ना, तो उसके बाद सब अपना अपना एंगल्स बस एक बार बोल देता है इजिल क्लच गॉड, जैसे कि ये एंगल देखो वो एंगल देखो, तो हम लोग अपने अपने एंगल्स देखते हैं और जिसको जहाँ से ज्यादा किल्स निकलता है वो वहाँ पे आके किल्स निकाल लेता है, तो वही रहता है हम लोग का। ठीक है भाई आप ले लो।